कैसा लगा घर? बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। लेकिन तुमसे खूबसूरत नहीं। क्या क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा? कौन आएगा? ये हमारा घर है और दरवाजा भी बंद है। छोड़िए, मुझे बहुत काम करना है। देख रहे हैं सारा सामान फैला हुआ है। काम करने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है जानवी। अच्छा, और प्यार करने के लिए पूरी रात? लेकिन मैं रात वेट नहीं कर सकता हूँ। इंतजार तो करना ही होगा। सोना जी, अब आप इंतजार की घड़ियां देखिए और मैं चली काम करने। जानवी, जानवी प्लीज, जानवी। जानवी, कल मैं उन्हें बुलाने वाला हूँ जिन्होंने हमें ये सब कुछ दिया है। बॉस को? हाँ। ओके, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, डोंट वरी। और तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। बॉस पहली बार आ रहे हैं ना, तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे बॉस तो तुम हो और तुम्हारे बॉस के लिए तो मुझे तैयार होना ही पड़ेगा। ओके पतिदेव जी। ओके नॉटी बेबी। अरे जानवी, तैयार हो गई? जल्दी करो, बॉस बस आने वाले होंगे। जानवी,
बहुत खूबसूरत लग रही हो, बॉस तुम्हें देखेंगे ना खुश हो जाएंगे। थैंक यू। लगता है बॉस आ गए, आ जाओ। हेलो सर, जानवी, मीट माय बॉस मिस्टर रंजीत वर्मा। बस रंजीत, मैं और धोखा अपने घर वालों को नहीं दे सकती, उन्हें और चुप नहीं करा सकती मैं, फिर किस मुंह से उन्हें और समझाऊं? आखिर तुम मुझे कहां रखोगे, क्या खिलाओगे? आखिर है क्या तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। जानवी, जानवी मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार तो मैंने भी तुम्हें किया है, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि कुछ सालों में तुम सबको सही कर लोगे, वेल सेटल हो जाओगे और पापा से तुम मेरा हाथ मांगोगे। लेकिन इन 7 सालों में कुछ भी तुम्हारा सेटल नहीं हुआ रंजीत, और पापा मुझे बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और मैं तुमसे अब बहुत दूर जा रही हूं। जानवी, जानवी रुक जाओ, जानवी, जानवी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। जानवी लौट आओ, जानवी मुझे छोड़कर मत जाओ। जानवी, जानवी कहाँ हो गई, अंदर लेकर चलो। जी नमस्ते, आइए आइए सर। और सब बढ़िया? सर बहुत बढ़िया। अच्छा है ना घर? बहुत अच्छा है घर। ये क्या, सिर्फ 2 ग्लास? एक्चुअली वो पीती नहीं है। थैंक यू। अब अगर इसको लेकर आई हैं तो पैक भी बना दीजिए। थैंक यू। Cheers. अगर सब कुछ ठीक रहा तो दुबई में जो हमारी कंपनी है उसका ब्रांच तुम ही संभालोगे। थैंक यू सर, मैं और कड़ी मेहनत करूंगा। वो सब तो ठीक है, मैंने कहा ना कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो। मैं किचन से कुछ लाती हूँ। अच्छा जानवी, रोस्टेड काजू ले आना, बॉस को बहुत पसंद है।
जानवीर। हाँ सर। मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। हाँ श्योर सर। सर इधर लेफ्ट में ही है सर। अच्छा जी, तब तक तुम दूसरा पैक बनाओ। ठीक है सर। क्या कर रहे हैं सर आप? सर नहीं, बॉस। जाइए यहां से वरना मैं तनवीर को बुलाऊंगी। तनवीर वो तो मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, पैक बना रहा है। रंजीत तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुमने जो मेरे साथ किया वो गलत नहीं था क्या? हाँ मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि तुम मुझे नहीं पा सकी थी। और अब मैं तनवीर की वाइफ हूँ, मुझ पे सिर्फ उसका हक है। मैं तुम्हें हर हाल में पाके रहूंगा। नहीं, तुम मुझे कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं। अब मैं वो रंजीत वर्मा नहीं हूं जिसको तुमने छोड़ दिया था। मैं वो रंजीत वर्मा हूं जो तेरे मालिक का भी मालिक है। तनवीर मैं सोने जा रही हूं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग कंटिन्यू करिए। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो जाके और दवा ले लेना। ठीक है। तुम्हारी वाइफ कहाँ गई? एक्चुअली सर उसे हेडेक हो रहा है तो मैंने उसे सोने के लिए बोल दिया। अच्छा जी। ओके सर। काजू। तनवीर मैंने तुम्हें बंगलो दिया, दुबई वाली कंपनी का तुम्हें जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ, इस बात से तुम खुश हो ना? सर बहुत खुश हूँ सर, ऐसा घर लेने के लिए तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। अरे सोचने की क्या बात है, सब कुछ तुम्हारा है। हाँ बस एक बात याद रखना, कोई भी अच्छा और बढ़िया चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती है। जिस तरह से मैंने तुम्हें यह बंगलो दिया, प्रमोशन देने की भी सोच रहा हूँ, तो उन सबकी भी एक कीमत होती है। थैंक यू सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपना 100% दूंगा और 200% रिजल्ट दूंगा। तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बात को तुम समझ नहीं रहे हो। इतना करना तुम्हें इस घर और तुम्हें मिलने वाले प्रमोशन के लिए काफी नहीं है। तो और मेरे हुनर के अलावा मेरे पास और क्या है सर, मैं क्या दे सकता हूँ आपको? वैसे तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है। तो जो मैंने तुम्हें दिया है मैं तुमसे वापस भी ले सकता हूं। सर वो मेरी वाइफ है। तभी तो तुझसे बात कर रहा हूं, तुझे तेरी नौकरी कंटिन्यू रखनी है कि नहीं सोच ले और सोच के बताना। चलता हूं। मेरा बॉस रंगीन मिजाज का है,
मैं ये तो जानता था, लेकिन उसकी नीयत मेरी वाइफ के लिए भी वैसी रहेगी, मैं ये नहीं जानता था। आज तो मैंने रंजीत को जैसे तैसे अपने से दूर हटा दिया, लेकिन रंजीत मानने वाला नहीं है। बॉस हमें सड़क पर ला देगा अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो, लेकिन मैं ये जानवी से कैसे कहूं? तनवीर का बॉस रंजीत मेरा एक्स है, मैं ये तनवीर से कैसे कहूं? रूपा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? आता हूँ शाम में। बाय बाय। तनवीर, आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? क्या हुआ तनवीर? तनवीर, तुम परेशान क्यों हो? क्या हुआ, बॉस ने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, बॉस ने कुछ नहीं कहा। अच्छा तुम एक गिलास पानी ले आओ। लाती हूँ। पर तुम ऑफिस से इतना जल्दी क्यों आ गए? एक्चुअली काम कम था तो मैंने सोचा घर ही आ जाता हूँ, तुम भी बोर हो रही होगी। तुम पानी ले आओ, मैं बताता हूँ। ठीक है, लाती हूँ। अभी तो टेम्पररी लीव पर डाला है, लेकिन अगर मेरी मुराद पूरी नहीं हुई तो वो घर और दुबई प्रमोशन दोनों से जिंदगी भर के लिए हाथ धो बैठोगे। सर, मैं किस मुंह से जानवी से ये सब कहूंगा? उसी मुंह से जो तुम्हारे पास है। और सुनो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। सर प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन मैं सब कुछ कर सकता हूँ और करूंगा भी। सर प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज सर। तुम्हें सड़क पर ला सकता हूँ और लाऊंगा भी। तनवीर, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। जाओ तुम अपना काम करो जाके, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। कौन है? कौन है? कौन है तनवीर?
ये कागज क्या है? ये घर का नोटिस है। मतलब? मतलब ये कि ये बंगलो इल्लीगल जमीन पर बना है और दो दिन बाद तोड़ देंगे आके। लेकिन ये घर तो तुम्हें बॉस ने गिफ्ट किया है। हाँ। फिर ये सब? जानवी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ, अंदर चलो। देखो जानवी, गुस्सा मत होना। दरअसल ये बात मेरे बॉस के बारे में, वो है कैरेक्टरलेस, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है। उस दिन आया था ना खाना खाने, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। मैंने उसे मना भी किया, सब कुछ बताया, लेकिन वो धमकी पे धमकी पे धमकी पे धमकी देता जा रहा है। उस दिन जो मैं जल्दी आ गया था ना घर पे, वो उसी ने मुझे बाहर निकाला था। मैं तुम्हें इतनी बार सोच रहा था कि बताऊं, लेकिन मैं बता ही नहीं पा रहा था। कहां से बताऊं, क्या बताऊं, किस मुंह से बताऊं। इसीलिए बॉस ये सब कर रहा है। लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ रहा है तुमको। मुझे भी तुमसे एक बात बतानी है। बोलो। मैं और रंजीत एक ही मोहल्ले में रहती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रंजीत मुझसे उम्र में बड़ा था। हमारा रिलेशन 7 साल तक था। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और फिर फैमिली ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। रंजीत? हाँ, तुम्हारा बॉस रंजीत वर्मा। इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, और इसलिए वो ये सब हमारे साथ कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसके पास बहुत पैसे आ गए हैं और वो पैसों से कुछ भी खरीद सकता है। ये घर और तुम्हारा प्रमोशन देकर वो इन सब से मुझे खरीदना चाहता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जानवी? क्या बताती मैं तुम्हें? अरे रंजीत तो मेरी लाइफ से कब की जा चुका था। लेकिन उस दिन वो अचानक से मेरे सामने आ गया, तुम्हारा बॉस बनके। मैं तुम्हारे बॉस की एक्स थी। और इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क तो इस बात से पड़ता है कि जब तुम उसकी डिमांड पूरी कर दो। कभी नहीं। तो फिर क्या तन्वीर? I have no idea, जानवी। हेलो जानवी डार्लिंग। इंतजार मैं कर रहा था कब से तुम्हारा। मुझे पता था कि तुम मुझे फोन करोगी। मुझे तुमसे मिलना है। ओह, आखिर वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। हाँ तो आ जाओ।
मेरे फार्म हाउस पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जानवी आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ बैठो बैठो। इतना सब कुछ पाया मैंने जिंदगी में, लेकिन इसको नहीं पाया तो लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं पाया। बड़ी शिद्दत से मोहब्बत की थी तुमसे, लेकिन तुमने। मैं भी तुमसे प्यार करती थी रंजीत। बॉस बॉस कहो मुझे। आखिर तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? ऐसे पाकर भी तो तुम मुझे पा नहीं रहे हो। तुम्हें खोकर भी मैंने कुछ नहीं खोया है, और सब कुछ है मेरे पास। एक भूख है, एक जिद है, एक गुस्सा है तुम्हें लेकर। मैं चाहता तो तनवीर को रास्ते से हटा भी सकता था। दो कौड़ी की औकात है उसकी मेरे सामने, लेकिन तुम्हारे खातिर मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, सब तुम्हारे खातिर। रंजीत प्लीज, तुम तनवीर को कभी कुछ मत करना। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूं। भिखारन मत बनो। अरे तुम तो मेरी रानी जानवी। पैक बनाओ। दारू नहीं पीती रंजीत। लेकिन आज तुम्हें पीना होगा। पैक बनाओ, पैक बनाओ। गुड गर्ल, पियो ना। क्या हुआ? आओ जानवी, बैठो। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी खुशियां पूरी हो जाएंगी। जानवी, ये क्या? जानवी ये क्या कर रही हो? जानवी गन नीचे करो, चल जाएगी। जानवी गन नीचे करो। क्यों?
डर लग रहा है। पैसों से अपनी मौत भी खरीद लो। क्या, कैसी बातें कर रही हो? कोई मौत खरीद सकता है पैसों से क्या? ठीक इसी तरह दूसरों की बीवी भी नहीं खरीदी जा सकती। मुझे भिखारन कह रहे थे ना तुम, असली भिखारी तो तुम हो, जो अपने अहंकार में किसी की पूरी फैमिली बर्बाद करना चाहता है। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। जो तुम आज करना चाहते थे वो सिर्फ आज भर तो नहीं रहता ना, मेरी जिंदगी रखेल से भी बदतर बना दोगे तुम। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा जानवी। तुम गन नीचे रखो, मैं तुम्हें फ्री करता हूँ। तुम जाओ, जाओ जानवी। नहीं, तुम अगर जिंदा रहोगे तो मेरे पति को जीने नहीं दोगे। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम गन नीचे करो, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम ये गन नीचे करो। अरे गन नीचे करो। रंजीत से जिसके पास कुछ नहीं था, और जिसके पास सब कुछ था उससे सिर्फ नफरत किया था मैंने। तन्वीर, हमें ये घर और ये शहर छोड़कर अभी भागना होगा। क्या, क्यों? तन्वीर, अभी ये सब बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, पुलिस कभी भी आ सकती है। और ये तो मैं बस गन कहाँ से आई? तुमने क्या किया जानवी? मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी है। प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? मैंने रंजीत वर्मा का खून कर दिया। व्हाट? अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से। इतनी रात में कहाँ जाएंगे? नहीं पता। अरे